जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, जब भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा हमारे मुख्यमंत्रियों का। जी हां, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा मॉडल हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल्ली मॉडल, पिनरई विजयन का केरला मॉडल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस, जो लगातार समाज के अंदर जहर फैलाने वाले मुख्य धारा के मीडिया पर लगाम लगा रही हो, ये जो तमाम एजेंसीज हैं उन सबको सलाम करेंगे हम। मगर उससे पहले कुछ चीजों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कल रात क्या हुआ? जी हां, जैसे ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हॉटस्पॉट्स पर सीलिंग की घोषणा हुई, अचानक उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई। लोग बड़ी तादाद में सुपर स्टोर्स पहुंच गए और जिस तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही थी कि लोगों में दूरी होनी चाहिए, वो सब धराशायी हो गई। एक बार फिर प्रशासन अपना संदेश देने में नाकाम रहा। कम से कम लखनऊ और नोएडा से जो लगातार तस्वीर उभर कर आ रही थी, और मुझे डर इस बात का है जिस तरह से लोग खचाखच सुपर स्टोर्स में घुसे हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में अचानक कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि आ जाएगी। मगर मैं आपका ध्यान कुछ और चीजों की तरफ खींचना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ? भीड़ के कुछ लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जानते हैं क्यों? क्योंकि भीड़ के लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि ये लोग कोरोना वायरस से जुड़ी जो सावधानियां हैं वो नहीं बरत रहे। सफदरजंग अस्पताल के ये वो डॉक्टर्स थे जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भीड़ जो है उनकी पिटाई कर देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वो वीडियो याद है आपको? सूरत सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लड़की पर उसी के पड़ोसी ने हमला बोल दिया था इस वीडियो में, और उसे इस बात को लेकर आपत्ति थी कि यह डॉक्टर मेरी पड़ोस में क्यों है। समाज लगातार कोरोना वायरस जैसे संकट में भी इस तरह से अपना बीमार चेहरा आखिर क्यों दिखा रहा है? आखिर हम क्यों नहीं अपने डॉक्टर्स के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं, उन गुमनाम सैनिकों के साथ हैं जो इस वक्त सड़क पर हैं, कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहे हैं। कल आप जानते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प संदेश सामने उभर कर आया ट्विटर पर प्रधानमंत्री का। गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नजर में तो ये मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संदेश का जिक्र कर रहे हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें यह कहा गया है कि 12 अप्रैल 2020 को शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना संकट के खिलाफ जंग लड़ी है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई करें। प्रधानमंत्री दरअसल इस संदेश से चिंतित थे, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम कोरोना संकट की इस जंग को जीते भी नहीं हैं, अभी तो आगाज है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो संदेश को फैला रहे हैं? प्रधानमंत्री, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहता हूं यहां पे। आप भी जानते हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में यह संदेश फैलाया जा रहा है तो साफ तौर पर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का हाथ है। इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। यह संदेश इतने जोरों से वायरल हो ही नहीं सकता अगर इसे बीजेपी के प्रचार तंत्र का समर्थन ना मिल रहा हो। और अगर यह ना भी हुआ हो तो मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आपकी निगाह इन छोटी छोटी चीजों पर है, तो मेरी आपसे अपील, आप उन न्यूज चैनल से या आपके बीजेपी की आईटी सेल के उन गुर्गों पर लगाम क्यों नहीं लगाते जो इस मौके पर भी कोरोना संकट में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तबलीगे जमात की एवज में पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और न सिर्फ टारगेट कर रहे हैं बल्कि ये न्यूज चैनल्स लगातार झूठ परोस रहे हैं। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से तबलीगे जमात ने नॉनवेज की मांग की, कहां थूका। ये तमाम खबरें कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार की यूपी पुलिस इसका पर्दाफाश कर रही है। क्या ANI, क्या न्यूज 18, क्या Zee News,
सबको पर्दाफाश, सबका पर्दाफाश किया यूपी पुलिस ने, तो मेरी आपसे अपील प्रधानमंत्री कि आप आखिर इन चैनल्स पर लगाम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कोरोना संकट के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं ना, बहुत जरूरी है कि समाज एक रहे। यह एक चुनौती भी है, मगर एक स्वर्णिम मौका है समाज को यह संदेश देने का कि हम सब साथ हैं। मगर आज बोल के लब आजाद है तेरे में आज का वीडियो जो है यह समर्पित है हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, और खासकर जो मॉडल्स सामने उभर कर आ रहे हैं, जो हमें आगे का रास्ता बतला रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने कई चीजों की चर्चा करने वाला हूं। मसलन मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भीलवाड़ा मॉडल की, मैं दिल्ली मॉडल की चर्चा करूंगा, मैं केरला मॉडल की चर्चा करने वाला हूं, और साथ ही मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो 4 या 5 मशवरे दिए हैं केंद्र सरकार को, उसकी भी चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं भीलवाड़ा मॉडल की, कि आखिर अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने कैसे भीलवाड़ा में कोरोना को मात दी। अगर भीलवाड़ा मॉडल की बात करें तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी का मुकाबला कैसे किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 मार्च को पहले पॉजिटिव केस आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग था, यानी कि जो जिला प्रशासन था भीलवाड़ा का, उसने 850 टीमें बनाई और लगातार वो हाउस टू हाउस सर्वेस कर रहे थे, यानी कि घर से घर जा रहे थे, दरवाजे से दरवाजे जा रहे थे, और उन्होंने करीब 56,000 घरों और 2,80,937 लोगों की जांच की। पहला कदम। दूसरा कदम, करीब 2,250 लोगों की पहचान की गई। ये वो लोग थे जिनमें कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे थे। इसके तुरंत बाद तीसरा चरण क्या होता है, इन लोगों से जुड़े जो लोग थे उन्हें संपर्क किया गया, उन्हें नजरबंद किया गया। यही नहीं, 22 मार्च तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से करीब 498 पीपल की एक लिस्ट बनाई जाती है। न सिर्फ उनकी लिस्ट बनाई जाती है बल्कि उन्हें अस्पताल भी भेज दिया जाता है अगर उनमें किसी तरह का इंफेक्शन होता है। इसके बाद यह पता चलता है 26 मार्च तक कि 6,445 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, शक था इन्फेक्टेड होने का। अब अगले 4 दिन जो हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। अगले 4 दिन प्रशासन क्या करता है, यानी कि 22 मार्च से 27 मार्च के बीच करीब 4,35,000 घर जिनमें करीब 22,00,000 लोग रह रहे हैं, भीलवाड़ा के 22,00,000 लोगों की जांच की जाती है। और आप जानते हैं भीलवाड़ा की जो कुल जनसंख्या है वो है 30,00,000। तुरंत इसके बाद जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है ना, वो एक ऐप के जरिए पूरे हालात पर मुआयना करती है। और ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है GIS, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद जब ये तमाम कदम उठाए जाते हैं तो 30 मार्च तक पता चलता है कि तमाम जो केसेस हैं वो गिरने लगते हैं। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। और फिर 31 मार्च तक भीलवाड़ा में एक भी केस सामने उभर कर नहीं आता। और लोगों का इलाज किससे चल रहा होता है इस दौरान, लोगों का इलाज चल रहा होता है, और आपके स्क्रीन पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, टैमीफ्लू और HIV ड्रग्स 3 अप्रैल तक, और इसमें से 17 लोग जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल से इंटेंस कर्फ्यू, भीलवाड़ा के कई जिलों में इंटेंस कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी कि जो जरूरी सामान भी है वो भी नहीं मिल रहा होता। मगर फिर आप सोचेंगे ऐसे में लोग जिंदा कैसे रहेंगे। प्रशासन इस दौरान तमाम जो जरूरी सामान, यानी कि दवाइयां, खाना, ये लोगों के घरों तक पहुंचाने लगता है, यानी कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता है। और इसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा किरदार है। और 31 मार्च से लेकर अब तक सिर्फ एक केस सामने उभर कर आया है, और जिले में कुल जो मामले हैं वो अब तक सिर्फ 27 तक हैं। तो यह था भीलवाड़ा मॉडल की सफलता। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने तरफ से कुछ मशवरे दिए हैं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर 2 सालों के लिए मीडिया विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए।
इसको लेकर होता क्या है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है वो सोनिया गांधी पर हमला बोलने लगती है। दैनिक जागरण ने तो ये भी कह दिया कि सोनिया गांधी के इस फरमान से हमें आपातकाल की याद आ गई। तो मैं दैनिक जागरण से सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताइए, पिछले 4 या 5 सालों में ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो गोदी मीडिया को तो छप्पर फाड़ एड्स देती है, सरकारी विज्ञापन देती है, मगर जो पत्रकार या जो मीडिया चैनल्स इस सरकार से सवाल करते हैं उन्हें कोई मदद नहीं देती। तो इन सरकारी विज्ञापनों का क्या फायदा बताइए? जहां पर पक्षपात साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तो उसे बंद ही कर दिया जाए। दूसरा मुद्दा, वो कहते हैं कि नया संसद भवन बनाने की जगह अस्पताल बनाया जाए, यह बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन पर 20 मार्च को जब देश कोरोना संकट से सामना कर रहा होता है तब केंद्र सरकार यह गजेट जारी करती है। तारीख देखिए इसमें, 20 मार्च, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से ज्यादा, यह राजपथ से ज्यादा या संसद भवन से ज्यादा कोई खूबसूरत जगह है? तो इसके सौंदर्यीकरण की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? तो मुझे लगता है कि ये जो मशवरा है ये बहुत ही वाजिब है। तीसरी बात जो कह रही है, सरकारी विदेशी यात्राओं पर रोक लगाई जाए, बिल्कुल रोक लगाई जाए, क्योंकि बावजूद इसके कितनी हमने सरकारी यात्राएं की, डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी देते हैं, ये बात अलग है कि मैं जानता हूं बाद में विदेश मंत्रालय ने पीछे किस तरह की कोशिशें की, फिर ट्रंप साहब ने अपनी रुख में थोड़ी नरमी दिखाई। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री केयर की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाए। यह मशवरा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी पीएम केयर पर किसी तरह का कोई अंकुश, किसी तरह की कोई जांच नहीं है। जो पीएम रिलीफ फंड है ना, उस पर बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लिहाजा किसी तरह की कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है अगर हम पीएम केयर्स में जो तमाम पैसा पहुंच रहा है, जहां मैंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसे पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे अगर हम एक साथ इसका मुकाबला करें। लिहाजा मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का जो ये मशवरा है ये बहुत जरूरी है। मैं आपको सामने बता रहा हूं बोल के लब आजाद है तेरे में कि किस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत अहम किरदार निभाया है। मैं बधाई देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ के यूपी पुलिस को भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार जो समाज में जहर फैलाने के लिए मुख्यधारा का मीडिया काम कर रहा है, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसे एक्सपोज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी पुलिस इन चैनल्स के खिलाफ, उन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगी जो समाज के अंदर दंगा भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी और उद्धव ठाकरे की भी, मगर अब मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं केरल मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि केरल इस वक्त देश से 2 कदम आगे चल रहा है? वो अभी से इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाए, और उसके लिए इस शख्स पिनराई विजयन ने इस बात की घोषणा की है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो किन 3 चरणों के अंतर्गत खत्म किया जाएगा। तो लॉकडाउन खत्म करने के केरला के 3 चरण, पहले चरण की बात करते हैं। 1 जिले को 15 अप्रैल से छूट तभी मिलेगी अगर 7 अप्रैल से एक भी मामला सामने नहीं आया हो। दूसरी बात, घर में नजरबंद लोगों के मामले में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई हो। 7 से 15 अप्रैल के बीच कोई भी नया हॉटस्पॉट सामने उभर कर नहीं आया हो। और अगर 1 जिले में ये तमाम कंडीशंस पूरी होती हैं तब कुछ और कदम उठाए जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कुछ और कदम उठाए जाएंगे, फेस मास्क और पहचान पत्र के बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। निजी क्षेत्र दफ्तर में सिर्फ 25% लोग और उन्हें भी फेस मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा। 1 घर से सिर्फ 1 व्यक्ति बाहर जा सकता है और वो भी 3 घंटे से ज्यादा नहीं। 65 साल से ऊपर कोई शख्स बाहर नहीं जाएगा, खासकर जिसे किसी तरह की कोई बीमारी हो, और अगर बाहर जाएगा तो उन्हें विशेष पास दिया जाएगा। गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम लागू की जाएगी और रविवार को कोई भी गाड़ी लागू वाहन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण आता है, और यह दूसरा चरण किन जिलों पर लागू होता है यह भी देख लीजिए। दूसरे चरण के लिए कोई जिला तभी मान्य होगा अगर डेट ऑफ रिव्यू से एक भी मामला सामने नहीं आया हो, और इसमें पाबंदियों के साथ बसेस, ऑटोज और टैक्सी चल सकेंगी।
अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करता है? तीसरे चरण के लिए तभी कोई जिला क्वालिफाई करेगा अगर डेट ऑफ रिव्यू से एक भी नया मामला नहीं सामने आया हो और घर में बंद लोगों की तादाद 5% से भी कम हो। अब इन जिलों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी वो मैं आपको बताता हूं। जिलों के बीच बस सेवा बहाल होगी, स्थानीय फ्लाइट्स भी बहाल होंगी, मगर सिर्फ जरूरी यात्रियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, मरीजों के लिए और केरला में फंसे बाहरी लोगों के लिए। यही नहीं, लोगों को केरला में प्रवेश करने दिया जाएगा मगर उन्हें घर में 14 दिन बंद रहना पड़ेगा। अब ये तो रही केरला मॉडल की बात, अब हम बात करते हैं दिल्ली मॉडल की। आप जानते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो बातें मुझे बहुत पसंद आई हैं। पहली बात ये, आपको याद होगा कि ललित होटल में जो होटल का स्टाफ था वो डॉक्टर्स की हौसला अफजाई कर रहा था। आप जानते हैं डॉक्टर्स ललित होटल में क्यों हैं? क्योंकि आज की तारीख में कई डॉक्टर्स अस्पताल से घर नहीं जा पा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने इनका इंतजाम 5-स्टार होटल ललित में किया है। इससे बेहतरीन कोई काम नहीं हो सकता। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, वो रोज सामने उभर कर आ रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि मैं दरअसल क्या कर रहा हूं और हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने फाइव टीज की घोषणा की है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले टेस्टिंग, फर्स्ट टी इज टेस्टिंग, यानी कि हम जोरदार तरीके से टेस्टिंग करेंगे। दूसरा ट्रेसिंग, यानी कि अगर कोई मरीज हैं उन्हें ट्रेस किया जाएगा। तीसरा ट्रीटमेंट, उन्होंने बताया है कि एज ऑफ टुडे अगेंस्ट 525 पेशेंट्स वी हैव मेड 2950 बेड्स अवेलेबल ओनली फॉर कोविड-19, 525 मरीजों के लिए 2950 बेड्स, और हम इसे 30,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। फोर्थ टी, टीम वर्क, जाहिर सी बात है इसका मुकाबला तभी होगा जब हम एक साथ जुटकर काम करेंगे। 50 ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, वो खुद इस मुद्दे की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बतौर चीफ मिनिस्टर ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि इस मामले में जो भी सही होगा गलत होगा। मैं साथ ही जिक्र करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। देखिए इनका तजुर्बा क्या है, इससे पहले सामना के संपादक हुआ करते थे, कोई तजुर्बा नहीं था प्रशासनिक, मगर आपने देखा होगा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने लगातार संदेश दिया है कि इस दौरान किसी तरह की फेक न्यूज नहीं, किसी तरह का धार्मिक उन्माद नहीं, लगातार वो संदेश दे रहे हैं और जमीन पर काम कर रहे हैं एक फादर फिगर की तरह। आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी देखा होगा, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ये लगातार बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके जहन में क्या सवाल है कि मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र क्यों नहीं किया। इन दोनों महानुभावों ने क्या काम किया है, मेरे ख्याल से इस पर एक बिल्कुल अलग से हम कार्यक्रम करेंगे। मगर उससे पहले जाते जाते मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं, ये एक असामान्य हालात है और हम सबको अपने किरदार से बाहर आकर योगदान देने की जरूरत है। आप एक आम इंसान हैं, आप अपने घर पर बने रह सकते हैं, जो आपको मशवरा सरकार दे रही है उस पर पालन कर सकते हैं। मैं एक पत्रकार हूं मगर मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि क्या मेरे काम करने के तरीके से समाज के जो वंचित लोग हैं क्या उन्हें किसी तरह की सुविधा मिल सकती है, और मैंने अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था। इसी तरह से आप भी देखिए कि आप अपने आसपास लोगों को किस तरह का फायदा पहुंचा सकते हैं बगैर फिजिकल डिस्टेंसिंग के कायदे का उल्लंघन किए बगैर। और एक और चीज, इसे सोशल डिस्टेंसिंग मत कहिए, क्योंकि अगर आप सामाजिक दूरी की बात करते हैं ना तो ये अगड़ा पिछड़ा, धर्म के आधार पर दूरी, ये सब चीजों के मायने सामने उभर कर आते हैं। इसीलिए शारीरिक दूरी बनाए रखने की बात कहिए, सामाजिक नहीं, शारीरिक दूरी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं बल्कि न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां वो बेल आइकन जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।